तीसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में श्री भगवान अर्जुन को कर्म का महत्व, यज्ञार्थ कर्म, कर्म करते हुए कर्म के परिणामों और कर्म के फल के प्रति कोई लगाव या इच्छा न रखने के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा में ही संतुष्ट रहो और दूसरों के लिए उदाहरण बनो। प्रकृति कर्म करती है, आत्मा कर्म नहीं करती। अहंकारवश मनुष्य अपने को कर्ता समझने लगता है। हमारे शत्रु इच्छा और क्रोध हैं, इसलिए इन दोनों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, यह सब बताते हैं। अध्याय। अर्जुन केशव से कहता है, हे जनार्दन, यदि तू समझता है कि बुद्धि का मार्ग सकाम कर्म के मार्ग से अधिक अच्छा है, तो तू मुझे यह भयंकर कर्म करने को, यह भयानक युद्ध लड़ने को क्यों कहता है? इन मिलीजुली बातों से तू मेरी बुद्धि को भ्रमित करता है। मुझे निश्चित करके वह एक बात ही बता जिसे करने से अधिक भलाई हो। श्री भगवान उत्तर देते हैं, सुन पार्थ, सृष्टि के आरंभ से ही मुक्ति के लिए मैंने दो मार्ग बताए हैं। चिंतन करने वाले या सोचने वाले लोगों के लिए ज्ञान का मार्ग बताया है और क्रियाशील या कर्म करने वाले लोगों के लिए कर्म का मार्ग बताया है। कर्म से बचने से या कर्म को ना करने से तो कोई व्यक्ति कर्म से मुक्ति नहीं पा सकता और ना ही कर्म के त्याग से उसे कभी सिद्धि मिल सकती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। हरेक व्यक्ति को प्रकृति से उत्पन्न अपने गुणों के कारण मजबूर होकर कर्म करना ही पड़ता है। जो लोग अपनी कर्म इंद्रियों को ऊपर से तो जबरदस्ती रोक लेते हैं, लेकिन अपने मन में उन्हीं इंद्रियों के विषयों के बारे में सोचते रहते हैं, ऐसे लोग तो भटके हुए हैं। वे खुद को धोखा दे रहे हैं। उनका ऐसा आचरण झूठा है और उनकी बुद्धि मूढ़ है। वे व्यक्ति ही श्रेष्ठ हैं जो अपने मन से अपनी इंद्रियों को वश में करके बिना किसी स्वार्थ कर्म करने में लगे रहते हैं। इसलिए पार्थ, तेरे लिए जो कर्म नियत है, तेरा जो कर्तव्य है, उसे तू कर, क्योंकि कर्म को ना करने से तो कर्म करना कहीं अधिक अच्छा है। बिना कर्म के तो तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। इस संसार में यज्ञ के लिए या यज्ञ के रूप में किए जाने वाले कर्म या बिना स्वार्थ किए गए कर्म ही बंधन से मुक्त हैं। इन्हें करने से मनुष्य बंधन में नहीं बनता। अन्य सभी कर्म बंधन में डालने वाले हैं। इसलिए पार्थ, सभी प्रकार के लगाव, सभी प्रकार की आसक्तियों को त्याग कर तू यज्ञ की भावना से बिना स्वार्थ अपने सभी कर्म करता जा। सृष्टि के आरंभ में प्रजापति ने प्राणियों और यज्ञ दोनों को उत्पन्न किया था और कहा था कि इस यज्ञ द्वारा तुम सब फलो फूलो और यह यज्ञ तुम्हारी मनचाही इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इस यज्ञ द्वारा तुम देवताओं का भरण पोषण करो और देवता तुम्हारा भरण पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का बिना स्वार्थ भाव के पोषण वर्धन करते हुए तुम सब परम कल्याण को प्राप्त करोगे। यज्ञ से खुश होकर देवता तुम्हें वे सुख भोग देते रहेंगे जो तुम चाहते हो, लेकिन जो व्यक्ति इन सुखों को अकेला ही भोगता है और इनमें से देवताओं और दूसरों को नहीं देता, वो तो निश्चित ही चोर है। जो लोग यज्ञ से बचे हुए यज्ञ के पवित्र प्रसाद को खाते हैं, वे सब पापों से छूट जाते हैं, लेकिन जो केवल अपने लिए ही भोजन पकाते हैं और उसे अकेले ही खाते हैं, वे तो समझो पाप ही खाते हैं। सभी प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से और यज्ञ कर्म से उत्पन्न होता है। कर्मों का मूल ब्रह्म है और ब्रह्म का जन्म अनश्वर परमात्मा से होता है। इसलिए सर्वव्यापी परब्रह्म
सदा यज्ञ में स्थित रहता है। इस संसार में जो व्यक्ति सृष्टि के चक्र के चलने में सहायता नहीं देता, वह तो दुष्ट स्वभाव वाला और इंद्रियों के सुखों में मग्न रहने वाला है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ और पाप भरा जीवन बिताता है। लेकिन जो मनुष्य आत्मा में ही आनंद लेता है, जो आत्मा में ही संतुष्ट है और जो आत्मा से ही तृप्त है, उसके लिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं रहता जो करना जरूरी हो। इस संसार में ऐसे व्यक्ति के लिए ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी वस्तु, ऐसा कुछ भी नहीं रहता जो उसके द्वारा किए गए कर्मों से प्राप्त होना हो या फिर उन कर्मों द्वारा प्राप्त होना हो जो उसने नहीं किए हैं। वह किसी भी प्राणी पर अपने किसी भी स्वार्थ के लिए निर्भर नहीं रहता। इसलिए पार्थ, तो हमेशा बिना लगाव, बिना आसक्ति के निस्वार्थ भाव से करने योग्य कर्म करता जा, क्योंकि बिना लगाव, बिना आसक्त होकर निस्वार्थ भाव से कर्म करता हुआ मनुष्य ही परमात्मा को प्राप्त करता है। जनक तथा अन्य ज्ञानी भी ऐसे निस्वार्थ कर्म द्वारा ही पूर्णता तथा परम गति तक पहुंचे थे। तुम्हें भी उन्हीं की तरह निस्वार्थ कर्म करना चाहिए। और वैसे भी जन कल्याण और संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भी तुझे कर्म करना चाहिए। श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं, आम लोग भी वैसा ही करने लगते हैं। वे जैसा आदर्श पेश करते हैं, जन साधारण उसी का अनुसरण करते हैं। अब तू मुझे ही देख, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी ऐसा कर्म नहीं है जो करना जरूरी हो, और ना ही ऐसी कोई वस्तु है जो मुझे प्राप्त ना हो या जो मुझे प्राप्त करनी हो। फिर भी मैं कर्म में लगा ही रहता हूं, क्योंकि यदि मैं सावधान होकर कर्म ना करूं और कर्म करना छोड़ दूं, तो चूंकि लोग सब प्रकार से मेरे ही मार्ग पर चलते हैं, वे सब भी मेरी देखा देखी कर्म करना छोड़ देंगे। और जब जन साधारण कर्म करना छोड़ देंगे, तो संसार में अव्यवस्था और अराजकता फैल जाएगी, यह संसार नष्ट हो जाएगा और मैं समस्त प्रजा के विनाश का कारण बन जाऊंगा। ऐसा ना हो, इसलिए मैं भी सावधान होकर कर्म करने में सदा लगा ही रहता हूं। और इसलिए जैसे अज्ञानी लगाव से या आसक्त होकर कर्म करते हैं, वैसे ही विद्वान और ज्ञानी लोग बिना लगाव, बिना आसक्त होकर संसार की व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से और जन कल्याण के लिए कर्म करते हैं। ज्ञानी को चाहिए कि वह सकाम कर्म में लिप्त अज्ञानी लोगों के मन को विचलित ना करे। योग की भावना से कर्म करने वाले को चाहिए कि वह दूसरों को भी वैसे ही निष्काम कर्म के मार्ग में लगाए। समझ ले कि हमारे सभी कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जा रहे हैं, परंतु जिस मनुष्य का मन अहंकार से भरा हुआ है, वह उस अहंकार के वश में होने के कारण खुद को कर्ता समझने लगता है कि कर्ता स्वयं मैं ही हूं, जबकि वास्तव में कर्ता तो प्रकृति है। परंतु जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों और उन गुणों के कार्यक्षेत्र के भेद के सत्य को समझ लेता है, और साथ में जो यह भी समझ लेता है कि प्रकृति के गुण ही अपने अपने कार्यक्षेत्र में कर्म करते रहते हैं, गुण इंद्रियों के रूप में उन इंद्रियों के विषयों में ही कर्म करते रहते हैं, तब यह जानकर वह आसक्त नहीं होता। लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति के गुणों की इन क्रियाओं से भ्रमित हो जाते हैं, वो ही उन क्रियाओं में आसक्त हो जाते हैं, उनमें उलझ जाते हैं, उनमें बंध जाते हैं। सच्चे और पूर्ण ज्ञान को जानने वाले व्यक्ति को उन मूढ़ और अज्ञानी व्यक्तियों के मन को विचलित नहीं करना चाहिए जिनका ज्ञान अधूरा है और जो केवल थोड़ा सा ही जानते हैं। इसलिए पार्थ,
अपने सभी कर्मों को पूरी तरह मुझे अर्पण करके, अपनी चेतना को आत्मा में स्थिर करके, अपनी सभी इच्छाओं को और अपने अहंकार को भी मिटा दे और अपने इस मानसिक बुखार, इस संकोच को छोड़कर तू युद्ध कर। जो लोग पूरी श्रद्धा से और बिना दोष ढूंढे मेरे इस उपदेश का लगातार पालन करते हैं, वे कर्मों के सभी बंधनों से छूट जाते हैं। लेकिन जो लोग ईर्ष्या के कारण मेरे इस उपदेश का तिरस्कार करते हैं, जो इसमें मीन मेख निकालते हैं और इसका पालन नहीं करते, वे लोग वास्तव में संपूर्ण ज्ञान के प्रति मूढ़ हैं और वे नष्ट होकर रहेंगे। ज्ञानी समेत सभी प्राणी अपने अपनी प्रकृति, अपने अपने स्वभाव के अनुसार ही आचरण करते हैं, इससे कोई नहीं बच सकता। प्रकृति को रोकना, उसे जबरदस्ती बदलने की कोशिश करने से कोई फायदा नहीं होने वाला, ऐसा करना व्यर्थ है। हर एक इंद्रिय के लिए उस इंद्रिय के विषय में राग द्वेष छुपे हुए हैं। इंद्रियों के विषय या तो मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे अपनी ओर खींचते हैं, या उसके मन में उनके प्रति द्वेष पैदा करते हैं। मनुष्य को इन दोनों के वश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही उसके कल्याण और उसके मुक्ति के मार्ग में रुकावट डालने वाले उसके शत्रु हैं। अधूरी तरह से या दोषपूर्ण तरीके से भी पालन किया गया अपना प्राकृतिक, अपना स्वाभाविक धर्म, पूरी तरह से पालन किए जाने वाले पराये धर्म या दूसरे के स्वभाव वाले धर्म से अधिक अच्छा है। अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु भी हो जाए तो भी वह पराये धर्म में जीवित रहने से कहीं अधिक अच्छा है, क्योंकि दूसरे के स्वभाव अनुसार चलने में बहुत खतरे होते हैं और वह बहुत भय देने वाला भी होता है। यह सब सुनकर अर्जुन केशव से पूछता है, लेकिन केशव, वो क्या है जिससे मनुष्य न चाहता हुआ भी पाप करता है, जैसे उससे कोई जबरदस्ती पाप करवा रहा हो? श्री भगवान उत्तर देते हैं, वो है इच्छा और क्रोध, जो रजगुण से उत्पन्न होते हैं। ये दोनों पाप से भरे हैं और सबको और सब कुछ खा जाने वाले हैं, सब कुछ निगल जाने वाले हैं। इस संसार में तुम इन्हीं को अपना शत्रु, अपना दुश्मन समझो। जैसे आग धुएं से ढकी रहती है, जैसे दर्पण धूल से ढक जाता है, जैसे भ्रूण को गर्भ सब ओर से घेरे रहता है, वैसे ही मनुष्य का विवेक और ज्ञान इस इच्छा से घिरा हुआ है। मनुष्य की चेतना और उसका ज्ञान, ये दोनों ही उस नित्य शत्रु और कभी भी तृप्त न होने वाली अग्नि के समान इच्छा से ढके रहते हैं, जिसके कारण वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। इंद्रियां, मन और बुद्धि इस इच्छा के रहने के स्थान है। इनमें रहकर वही इच्छा मनुष्य के ज्ञान और उसकी समझ को ढक देती है और उसे मोहित कर सही मार्ग से भी भटका देती है। इसलिए पार्थ, तू शुरू से ही अपनी इंद्रियों को अपने वश में रख और ज्ञान और विवेक के इस पापी विनाशक को दृढ़ता से मार डाल। कहते हैं कि इंद्रियां स्थूल शरीर से बड़ी हैं, मन इंद्रियों से बड़ा है, बुद्धि मन से बड़ी है, और बुद्धि से भी बड़ी और बलवान है वह आत्मा। इस प्रकार जो बुद्धि से भी बड़ी और बलवान है, उस आत्मा को जानकर तो अपने मन को वश में करके, इस आत्मा को उस परमात्मा में स्थिर करके, इस इच्छा रूपी, इस काम रूपी शत्रु को मार डाल, जिस शत्रु तक पहुंचना भी बहुत कठिन है। तीसरा अध्याय समाप्त। ओम शांति शांति शांति। ओम।